कोई बुजुरे 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 मेरे मन के पास कोई बुजुरे 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 मेरे मन के पास कोई बुजुरे। फूलों से खुशबू चुरा कर मैं लाई रे लाई रे बादल से काजल की धार रे बादल से काजल की धार रे तेरे पे जैसा कहाला बना जैसे कोई चांद रात कोई बुजुरे तेरे पे जैसा कहाला बना जैसे कोई चांद रात कोई बुजुरे 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 मेरे मन के पास कोई बुजुरे। आंखों में आग बह रही है वो देख रही है। ज्यादा करीब नहीं आते सोमा, आग जला दिया करती है। और जो पहले ही जल रहा हो क्या हो गया आज तुम्हें? जो तुम्हें हो गया था मुझे क्या हो गया था तुम्हें? जो हमारी तस्वीरें बनाने के लिए इतनी दूर से आते थे क्यों खड़ी हो जा सोमा? जो तिरछी खड़ी हो जा सोमा? अब घंटों देखा करते थे वो ही हो गया है हमें भी। तुमने गलत समझा है सोमा, ये मेरा फन है, मेरा आर्ट है, मेरी कला है। तुम नहीं समझ सकती, मैं तुम्हारी तस्वीरें इसलिए नहीं बनाता था कि मुझे तुमसे नहीं सोमा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मगर तुम किसी गलत फहमी में ना आना, मैं किसी और को चाहता हूँ। वो हर वक्त हर पहर मेरी आंखों में रहती है, मैं उससे बातें करता हूँ, उसके लिए बेचैन रहता हूँ, लेकिन न जाने वो मुझसे दूर क्यों भागती है। तुमसे कोई नहीं भाग सकती, कौन है वो खुशनसीब? वो इस दुनिया में है ही नहीं शायद, वो इस दुनिया की नहीं, मेरे ख्वाबों ने उसे जन्म दिया है और वो मेरे ख्वाबों ही में रहती है। कमल बाबू अपनी जवानी को रोकना लगाओ सोमा, मैं परछाइयों के पीछे भागने वाला आर्टिस्ट, मेरा पीछा मत करो वरना तबाह हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। ओहो हो हो, क्या तूफान है, ऐसा मालूम होता है कि आसमान से समंदर छलक पड़ा है। कहां जा रहे सरकार? इस देखती हुई अंगीठी के सामने मुझसे रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी सुखिया। तो आग धीमी किए देता हूँ सरकार,
तुम इस आग को नहीं जानते। जब ये एक बार भड़क उठती है तो धीमी नहीं हुआ करती। मगर इस वक्त जाएंगे कहां? डाक बंगले की चाबी तो तुम्हारे पास होगी। चाबी तो है, लेकिन मालिक डाक बंगले में नींद कैसे आएगी आपको? वो तो बिल्कुल वीरान है। वीराने ही आबादियां बना करते हैं सुखिया। आ, ये चादर लीजिए। नाम ही का डाक बंगला है। यहाँ बहुत कम मुसाफिर आते हैं। कभी साल छह महीने में कोई भूला भटका मुसाफिर आ निकला तो यहाँ भी रोशनी हो गई, वरना इस चार दीवारी पर तो हमेशा अंधेरों का ही राज रहता है। बाबूजी आप आराम ना कीजिएगा क्या? बारिश बहुत है, आप आराम कीजिए। अच्छा, दुखिया सरकार, तुमने कभी मोहब्बत देखी है? मोहब्बत क्या फरमाया सरकार? कभी नहीं की। अजी, मोहब्बत तो जवानी का खेल है सरकार। गरीबों की जवानी बुढ़ापे के साए में आती है और गुजर जाती है। हाँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा सरकार, मोहब्बत का चक्कर बहुत बुरा होता है। बाबूजी, 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 हाँ, मैं हूँ सुखिया, दरवाजा खोलिए। क्या मुसीबत है, यहाँ भी सोने नहीं देते। मेरे लायक और कोई खिदमत हुजूर? ड्राइवर से कह दो कि जब गाड़ी ठीक हो जाए हमें इतला कर दो। बहुत अच्छा हुजूर। बड़ी मजबूरी है, और कुछ नहीं तो मैं जवान तो हूं, बाहर तूफान है, भाग कर जा नहीं सकती। लेकिन शरीफ आदमी किसी की मजबूरी का यूं फायदा नहीं उठाया करते। मुझे गलत ना समझिए, देखिए
मैं एक आर्टिस्ट हूं और आर्टिस्ट हमेशा ख्वाब देखा करते हैं। मेरी जवानी ने भी ख्वाबों की दुनिया में आंखें खोली। मैंने दिल ही दिल में किसी को चाहा, ख्यालों के घटा टोप अंधेरों में किसी को तलाश करता रहा। वो हमेशा मुझे मिल जाती लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर नकाब रहता। मैंने अपनी रूह की सारी ताकतें उस नकाब को हटाने के लिए सर्फ कर दी लेकिन वो नकाब न उठा। लेकिन आज यकायक जब तुम आई तो मेरा दिल पुकार उठा, लो आज वो बेनकाब हो गई। इसीलिए मेरी आंखें तुम्हें देखती रहीं और सैराब ना हो सकी। कितने झूठे हैं ये शायर, कहते हैं बिजली आशियाने फूंक देती है। इसमें झूठ क्या है? लेकिन बिजली ने तो मेरा घर बसाया है। सच कहती हूँ, मैं हट जाऊंगी। चांदनी, तुम ख्यालों की दुनिया से उतरकर हकीकत की दुनिया में आ गई हो। तुमने निकाब उलट दिया लेकिन मुझे एक खतरा है, तुम कहीं फिर ना खो जाओ। कभी नहीं आएगा सुखिया। अजीब बात है मालिक, आपने भी वही पूछा जो आज सुबह बीबी पूछ रही थी। कौन बीबी? वो जो तूफान वाली रात आई थी। बड़ी अच्छी है, देर तक मेरी झोपड़ी में बैठी उस रात की बातें करती रही और कहने लगी, चौकीदार फिर वैसा तूफान कभी ना आएगा। मैंने कहा, बिटिया वैसा तूफान कभी कभार आता है। फिर वो ठंडी सांस भरकर बोली, हाँ चौकीदार, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार वैसा तूफान आता है और हमेशा के लिए अपनी याद छोड़ जाता है। सच सुखिया? जी हाँ बाबूजी। तुमने उसका पता नहीं पूछा? मुझे उसका पता पूछने की क्या जरूरत थी? हाँ सुखिया, तुम क्यों पूछते, क्यों पूछते तुम? जहाँ है मेरी निगाह में है। चाय सरकार। किसने मांगी थी? एक खील तक उड़ के नहीं गई छोटे सरकार के मुंह में। मैंने कहा, आज तो चाहे जो कुछ हो मैं खिला ही के रहूंगा। बांके साहब, मैं सच कहता हूँ, लड़ पड़ूंगा। ये क्या हरकत है भला? दस तनिक बच के रही हो। इस हरकत को कहत हैं शौक पर महियन, हजम करियन और काका कहित हैं बम्बोड़ियन और जने काका कहित हैं। छोड़िए साहब, आपको अपने दोस्त का भी कुछ ख्याल नहीं? उन्होंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। सामू भैया, यू आशिक लोग बड़े सीढ़ी मजाज के होवत हैं। इन लोगन की खुराक तो दिल का भुरता, कलेजवा का साग और जुदाई की रोटी होवत है। हम तुमका कहत हैं, यू मसालेदार चटपटी चीजें अगर यो खई हन तो इनका बदहजमी हो जाइए हमारी कसम। भागे, काम करने तो जाओ। अरे सामू भैया, हम तुमका कहते हैं जाओ ना, साहब को काम करने दो, उनका दिमाग गर्म है। करो जाओ, चलो। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। दे बच के रहियो। हो जी अजी, हम का कहते हैं और तुहार तितली मिली रही तो हक मिल जाएगी। जाओ तुम। झलक दिखाए के छुपी चांदनी, सपना चांद भवा। और सब गलत, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तुम गलत, शेर गलत, आशा गलत, बिल्ला गलत, कुल्ला गलत। जमाना जी, जानवी जी, हम क्या कहते हैं, तुहार पेट में मरोड़ उठा था। नहीं तो फिर कहा था
वल्ला उर्दू जबान के गले पर उल्टी छुरी फिरते देखकर ये आते मुंह को आती, ये आते मुंह को आती है, ये आंखें खून बहाती हैं। खूब खूब झलक दिखाकर लाहौल वाला, बल्कि यही लाहौल सात मरतबा, के इसमें न लताफत न फरागत न शराफत न फसाहत न बलागत न नजाकत न बबाब। दीवाना साहब आपकी तस्वीर अमा हजरत लाहौल, बल्कि सद लाहौल, स्कोर जौकी के सदके, इस बदमजाकी के कुर्बान, के दीवाना झांसवी जैसी शेरो अदब की। नानी अम्मा तुम चुप रहो जी, रमूज शेरो सुखन को तेरी बला जाने। तो मैं क्या कर रहा था कि दीवाना झांसवी जैसे अपने होठों से अदब के फूल बरसाए, जबान से शेरो शायरी के दरिया बहाए, और सुनने वाले को अपनी बात याद आए। ऐ चरख के ये लाकदरी। मेरा मतलब था दीवाना साहब आपकी तस्वीर तैयार है। तस्वीर तस्वीर यानी कि मेरी तकदीर, तकदीर की तहरीर। दस तनिक बच्चे रही हो, अरे आप काहे करो हो तकरीर, यू रही तो हर तस्वीर। तस्वीर मेरी दीवाना झांसवी की तस्वीर, अखबारात की तनवीर, ख्वाबों की ताबीर। आए मगर थैला कहाँ है? थैला? अरे थैला तो हर वहाँ है। यहाँ तो है मगर वहाँ कहाँ है? ये इल्म अदब का दफीना, शेर और शायरी का खजीना, छोर तो कामयाबी का जीना, अगर तस्वीर में ना हो तो तस्वीर नामुकम्मल है, असफल है, अजहल है। ठीक हो जाएगी दीवाना साहब, बाकी रख दो, कल ले जाइएगा। कल 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 ऐसी ना लगाओ, कल कल ऐसी ना लगाओ के बेकल हूँ मैं जी, कल कल ऐसी ना। दीवाना साहब आज आप मुशायरे में जा रहे हैं, ये हमारे बांके को शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, इन्हें जरा साथ ले जाइए। बांके को शेर व शायरी से? उसने वो तकरीर और तस्वीर का काफी मिलाया था। हाँ चलेगा चलेगा। दरा तनिक बच्चे रहियो, ए जानवी जी, ए हमका रहे दो। नहीं 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 चलो, तुम नहीं बच सकते, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ मुशायरे में। हाँ तुम इल्म अदब से मुंह नहीं मोड़ सकते। अच्छा हो, चलो चलो। चांदनी, क्या बरस की वो सुहानी रात भी तुम्हें याद नहीं आती? अंधेरा मुखड़े पे वो बिखरी हुई जुल्फों की घटाएं, मुखड़े पे वो बिखरी हुई जुल्फों की घटाएं, बरसात की वो रात कहो कैसे बुलाएं, ओ बलम कैसे बुलाएं।
इश्क़ मेरी रूह मेरी जान कहाँ है, ऐ इश्क़ मेरी रूह मेरी जान कहाँ है। ऐ दिन को तेरा रात का मेहमान कहाँ है, ऐ दिन को तेरा रात का मेहमान कहाँ है। डरती है मोहब्बत वो कहीं भूल ना जाए, डरती है मोहब्बत वो कहीं भूल ना जाए। बरसात की वो रात कहो कैसे भुलाए, बलम कैसे भुलाए। बेबस है कहाँ तेरा पता पूछने जाए, हाय पूछने जाए। बरसात की वो रात कहो कैसे भुलाए, बलम कैसे भुलाए। तनिक बचके रहियो, का बताई ई घर मा तो दुई दुई शेर का एक एक खटमलवा, ससुर ने हमार टंगड़ी भंबोड़ खाई। तू तेरे की जब आओगे कुछ न कुछ चौपट करोगे। अरे सामू भैया हो, अरे ओ सामू भैया, अरे हम कही थे गजब हो गवा। क्या है बांके साहब? अरे हाँ देखो हो, तुम इनको जानत हो? अरे ये कौन है और क्या भावा, हम तो एक बनबान छोड़ कर गए रहे और आके देखते कि क्या 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 हो जमा हो। पागल हो गया रे? दांत तनिक बचके रहियो। अरे सामू भैया अब आए के देखत हैं का जैसे दारोगा सफाई का खड़ा हो और जैसे कोई मजनू फरहाद के इश्क में खड़ा हो। अरे अरे ये क्या है सामू, नजर ना लग जाए छोटे सरकार को। ये बांके साहब तो बड़े वैसे आदमी हैं। दस तनिक बच्चे। अरे दीवाना साहब। अरे। शेर हो गया। हजारों ठोकरे खाता तेरा मस्ताना आता है। हाय तेरे कूचे में सर का बल तेरा दीवाना आता है। देख लिया आपने अपनी बेहूदगी का नतीजा बांके साहब? ये छिलके उठाओ शाम, कबाब खाना बना रखा है कमरे को। कहीं चोट तो नहीं आई दीवाना साहब? नहीं चोट तो बिल्कुल नहीं आई, चोट बिल्कुल नहीं आई। हाँ मगर देखना उधर देखना, मेरा कोई पुर्दा ना गिरा हुआ हो। आए, इस चोट के कुर्बान मेरी जान कूले में लगी है कि शेर हो गया है। आहा, आहा, क्या शेर हुआ है वल्ला। हजारों ठोकर। बांके इधर आओ, दबाओ पैर दीवाना साहब। अफसोस तो यह है कि टांग क्यों ना टूटी, पूरा दीवान हो गया होता। हाय हाँ पांव दबाना ना भूलो। हाय अब भाई चंपी कर रहे थे। चलो चलो दबा। हाँ जल्दी से। हाय दर्द मैं भी हाजिर हुआ। हाँ हाँ तनिक बच के रहियो। हाय अरे बस कर नादान, कहीं निकलना जाए जान। हाय रहियो। अरे हम कहे थे झांझवी जी तुहार पुर्जा गिर गया रहा ना, ओको फिट कर रखा है। बांके बांके का हो तेरे सदके, तेरे सदके तेरा कुर्बान। अगर तू आज तरबूज ना फेंकता तो शेरो शायरी के आसमान पर ये सूर्य तलू ना होता बांके। ना तू तरबूज फेंकता, ना मैं गिरता और ना शेर होता, बस तेरा कुर्बान तेरे सदके। अरे रहो हम तुहार मुकर्रर चंपी कर। हाँ जरा थोड़ा सा दबा दो मुकर्रर मारा भला हो जरा ये कूले से। अरे मुकर्रर कर ही है। हाँ रहो कूले से, मुकर्रर कूले से। अरे तुहार चूल्हा ठीक करिए। तुमको चोट आई है? अरे आई है। शेर क्यों नहीं हुआ? अरे कहा थे तुम कहो। नहीं तुम कहो, चोट तुमको आई है तुम कहो। अरे क्या हुआ? बस बस जी, बस बस जी, आज मैं इसे कुछ नहीं कहने दूंगा।
इसने हमारी खिदमत करके शेरो अदब की दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान। आहा, बिल्कुल असल नकल मुताबिक असली तस्वीर मालूम होती है और इंसान की नहीं खुदा की तहरीर मालूम होती है। आपने कहीं देखा ही नहीं? हाँ, एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है। क्या अर्ज करूं, जब से इस लड़की को देखा है धड़ा धड़ शेर हो रहे। ये लड़की नहीं शेरो अदब की देवी मलका है। और मैंने इसे अभी देखा है। कहाँ देखा है बताइए दीवाना साहब, भगवान के लिए। ये बेताबियां कैसी है, ये हैरानियां क्यों है? दीवाना साहब बता दीजिए ना। मगर बात क्या है? बात कुछ नहीं, आप बताइए कहाँ देखा है उन्हें। हाँ, जब से देखा है जिधर देखता हूँ उधर वो ये कटोरा सी आंखें, शबनमी पलकें, गुलाबी होंठ, सतुआ नाक, बस बिल्कुल मुझे देख लो मेरी तरह बिल्कुल। बताओ कहाँ देखा उन्हें, बताओ। बताता हूँ। हाय हाय, आप तो बिगड़ ही गए। मालूम होता है चोट गहरी आई और उसी जालम ने आग सीने में लगाई है ना। ये बात पला हाथ पे हाथ, और याद रखिए बात कि डॉक्टर किदार की दुकान वहां पे डॉक्टर ने कहा है ये दवा जहरीली है। आप पिताजी से कह दी कि इसका इंजेक्शन अपने हाथ से ना लगाएं। आपका नाम भी मालूम नहीं? जी मुझे कमल कहते हैं, आपकी तारीफ? मुझे चांदनी देवी कहते हैं। चांदनी देवी, तुम्हें मालूम है बहुत देर हो रही है। मिस्टर कमल, आप कहाँ जाएंगे? 82 अपर माल। आइए हम आपको छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।
हमका फुर्सत नहीं, हम बरस लेके जाए थे बरस। अरे सुनो, हाँ मेरा ख्याल है ये स्टेचू कोने में रखते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे बहुत अच्छा ख्याल है, माय कसम बहुत अच्छा, कुर्बान। तो फिर रख दो भाई। हाँ चल दो तो हम उठाएं। तो क्या मैं रखूं? और का जो बोले सिक्की बढ़िया खोल। नहीं नहीं मेरा भैया, चलो रख दो भाई। अरे सामो। अरे नहीं नहीं तुम ही रखो, चलो बरस। जी, अरे हम कही थे का हमसे उठियो नहीं, अरे हम तो तुमको उठा के छोड़िए हैं। हे इमाम बख्श कव्वाल, इमाम बख्श पहलवान, ए तुहारास, हे गामा पहलवान तुहारास। तनिक बच के रहियो। देखो हम कौन है, ठहरो मैं जाता हूं। क्या है? कपड़े सरकार, भागे यहां से। ब्रेठ का बच्चा ये क्या बदतमीजी, किसने रखा है यहां? उठाओ यहां से, भागे। कहां मर गए? ये क्या मजाक है? अगर इस उद्यम में वो आ गई तो क्या समझेगी हम लोगों? अरे साहब मैं तो गुलदान बन गया रहा, और वो हमको समझेगी का? पॉइंटर समझेगी और का समझेगी? पर तुम कहो तो आवेगी, अब आवेगी, जब आवेगी। हम कहता है काहे को आवेगी, का ओ का यहाँ बैठा है। तुम नहीं समझते बांके, वो जरूर आएगी। हाँ जी जरूर आएगी, क्योंकि तुम अपना मफलर लोटर काट में छोड़ आए रहे ना। यही समझ लो। क्यों जी, हम पूछे थे उस मफलर में कोई जादू रहा या कोई फौज रिसाला रहा जो तोहार शहजादी के हाथ पांव जोड़ के या तोहार कदमों में लाके फेंक देगा? नहीं बाके। और उस मफलर में मेरी आरजुएं थी। दया तनिक बच के रहियो, अरे हम कही थे ओमा बड़ी बड़ी जुएं थी। अब तो बिल्कुल वही है। ए, ए मिस्टर तोहार मगजुआ का कीड़ा बीमार हो गवा, अरे तुमका तो एक कुत्ता भी तोहार चांदनी चांदनी नजर आइए। दर तनिक बच के रहिए, तुम बैठो हो जाके, हम देखते हैं कौन है। मिस्टर कमल घर में हैं? हाँ साहब घर में है, पर वो नहीं है, हम कहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम कैलाश है, मुझे चांदनी देवी ने भेजा है, समझे, मिस्टर कमल से मिलना है। तदिक बच के रही हो। मैं आ सकता हूं? तशरीफ लाइए।
चांदनी देवी ने भेजा है। तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं रोज ही रखता हूं। ये मकान आपका है? जी। गुड, वेरी गुड। छोटा सा, सस्ता सा, यानी सच पूछो तो इंसान को चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। शायद आप मेरी गरीबी पर हंसने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबी बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें इंसान अपने आपे में रहता है। सिगरेट? मैं पेश करता हूं। माफ कीजिए, मैं जरा कीमती सिगरेट पीने का आदी हूं। ये मेरे अपने नाम की बनकर आती है। ओ मिस्टर कैलाश, गालबन आपको चांदनी देवी ने भेजा था। हाँ हाँ। अच्छा, तो आप मुसव्विर भी हैं, यानी आर्टिस्ट, यानी कि रंगसाज। तो क्या कहा था चांदनी देवी ने? अच्छा, तो ये सुमा की तस्वीर है, वो पहाड़ी लड़की जो डाक बंगले के करीब रहती है। लोगों की पहचान अच्छी खासी है आपको। शुक्रिया। मगर चांदनी देवी? देखिए, मैं बार बार अपनी मंगेतर का नाम एक अजनबी होटल सुनने का आदि नहीं हूं, समझे? अच्छी खासी तस्वीर है ये भी। मिस्टर कैलाश। हाँ। और ये बदबूदार खींचड़ा उन्होंने भेजा है, ये तस्वीर मैं खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी, समझे? क्या था? धोखेबाज, झूठी। तो मैं झूठी हूँ? शर्म नहीं आती? आगे से जबान लड़ाती है। बीबी मेरे हाथ जल जाए अगर मैंने किसी चीज को छुआ भी हो, तो फिर गया कहाँ? मैंने खुद इस ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखा है, पर लग गया उसको? जी मैंने तो देखा भी नहीं। फिर वही बकवास। अच्छा ठहरो, तुम यूँ ना मानोगे, मैं पिताजी से कहती हूँ। भगवान के लिए बीबी। चांदनी देवी, तुम खाम खा इन पर नाराज हो रही हो, इनका कोई कसूर नहीं। जा, जा, तुम लोग जा। तो फिर यहाँ चोरी कैसे हुई? चोर मैं हूँ, सजा मुझे दीजिए। आपका क्या ख्याल है, आपके इस लतीफे पर हंसना चाहिए मुझे? लतीफा नहीं, वाकया अर्ज कर रहा हूँ। मफलर इस दराज से मैंने निकाला, और ये गुनाहगार हाथ उसको उसके मालिक के घर, यानी उस रंगसास के मकान तक छोड़कर आए। क्या हक था, क्या हक था तुम्हें मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को छूने का? ना ना ना, चांदनी देवी चिल्लाइए नहीं। क्यों आए थे? माफ कीजिए चांदनी देवी, आपके पिताजी अपने कमरे में हैं, अगर आपकी आवाज उन्होंने सुन ली तो। ये देखिए, पसंद है ना आपको? मेरी बात का जवाब दो। देखो कैलाश, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, और मैं आखिरी बात कह देना चाहती हूँ कि मेरा और कमल का मामला बिल्कुल जाती है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं कहती हूँ बिल्कुल जाती है, और मैं इसमें किसी दूसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने पिताजी का भी नहीं? माफ कीजिए चांदनी देवी, आप बिल्कुल बच्चा हैं, इन खिलौनों से खेलिए। आपके बाप दादा की इज्जत खेलने की चीज नहीं। मैंने इस घर का नमक खाया है, मेरी वफाएं बड़ी नाजुक हैं, इन्हें इतना ना आजमाइए। इजाजत है, मैं जरा राय बहादुर साहब की खिदमत में जा रहा हूं। जी नहीं। फिर क्यों आए हो? जी कमरा साफ करना। पिताजी कहाँ हैं? अपने कमरे में। और कौन कौन है? मैनेजर बाबू। मैनेजर क्या कर रहे हैं? जी बातें कर रहे हैं। तूने कुछ सुना? जी नहीं। अच्छा जाओ। नन्नी इधर आओ। हमें बड़ा अफसोस है नन्नी, हमने तुम्हें नाहक बुरा भला कहा।
देखो तो कौन है। कौन है? जी डॉक्टर बाबू। डॉक्टर? जी हाँ। अच्छा नन्नी, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ। वो है ना कमला। अच्छा, तू ख्याल रखना, पिताजी पूछे तो उनसे कह देना। जी बहुत अच्छा। हाँ देखिए, जब दिल देगी बेवफा ही को। बेवफा मर्द हैं या वो देवियां जो किसी की मंगेतर होकर भी दूसरे को मोहब्बत के रंगीन जाल में फंसाती और उसके जज्बात से खेलती हैं, जो मर्द को मट्टी का खिलौना समझती हैं कि खेला और कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। बेवफा वो होती है या मर्द? बेवफा वो होती है। मार ही डालोगे? इतनी हिम्मत कहाँ? सच्चाई झूठ का गला घोंट सकती है, लेकिन झूठ सच्चाई का गला नहीं घोंट सकता। तो ये झूठा के कैलाश तुम्हारा मंगेतर है? तो ये झूठा के मफलर तुमने वापस किया था ताकि तुम्हारी तलाश में फिर वापस ना आ सकूं? ये सच्चे क्यों है? इसलिए कि कैलाश ने खुद मुझसे कहा है। और कैलाश झूठ के नहीं कह सकता। बस सिटी गुम हो गई। बड़े आए देवता कि इनके सामने कैलाश झूठ नहीं बोलेगा। एक लंबी चौड़ी जायदाद है मेरे पिताजी की और मैं उनकी अकलौती बेटी हूं। कैलाश जायदाद का मैनेजर है, वो ये क्यों नहीं सोच सकता कि अगर मैं उसकी बीवी बन जाऊं तो वो सारी जायदाद का मालिक बन सकता है। तो ऐसे खतरनाक आदमी को घर में क्यों रखा है तुमने? मुंह नोच कर निकाल क्यों नहीं देती उसे? क्योंकि वो पिताजी का मुंह चढ़ा नौकर है। डरती हूं अगर उसने लगाई बुझाई कर दी तो न जाने क्या हो जाएगा। नमस्ते, अब मैं आऊंगी। चांदनी, तुम जा रही हो? चांदनी
बहुत नाराज होकर मैंने बड़ी कड़वी कसैली बातें कही। मेरी यही सजा होनी चाहिए, तुम्हें बहुत नाराज होना चाहिए, बहुत नाराज होना चाहिए, मगर मगर तुम इतनी ही नाराज हो कि फिर लौट कर ना आओगी। नहीं नहीं कमल, झूठ बोल रही हूँ मेरा दिल रखने को। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जिस तरह झूम के दीवाने को दीवाना मिला, जिस तरह झूम के दीवाने को दीवाना मिला, दिल का नजराना मिला। देखना प्यार के दुश्मन है जमाने वाले, देखना प्यार के दुश्मन है जमाने वाले, दिल के दुश्मन भी है इस राह में आने वाले, दिल के दुश्मन भी है इस राह में आने वाले, प्यार के नाम से जलते हैं जमाने वाले, प्यार के नाम से जलते हैं जमाने वाले, सब यही कहते हैं क्यों शमा को परवाना मिला, सब यही कहते हैं क्यों शमा को परवाना मिला, दिल का नजराना मिला। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं पर लगा कर पहुँचाता। अच्छा जी, वो किस खुशी में? ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ मेरी मोहब्बत की इब्तदा हुई थी। हाँ, और वो आसमान है जिस पर से मेरी हूर पहली बार उतरी थी। यानी कि आप मेरा मजाक उड़ा रही? हाँ, आपकी दुआ से। चांदनी, क्या तुम सचमुच समझती हो कि मैं तुम्हें मोहब्बत का फरेब दे रहा हूँ? नाराज हो गए? कोई अपनी किस्मत से भी नाराज हो सकता है, तुम तो मेरी किस्मत हो चांदनी। जब मेरे दिल ने पहली बार मोहब्बत के मायने समझे थे उस वक्त भी मेरे ख्यालों में तुम थी,
मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मैं तुम्हें जानता तक नहीं था, लेकिन जैसे किसी पिछले जन्म का साथी छूट गया हो, मेरी रूह तुम्हें ढूंढती रही बस्तियों की आबादियों में, वीरानों की तन्हाइयों में। आखिर एक दिन मेरी निगाह ने तुम्हें बेनकाब देख लिया, मैंने अपने आप को खोकर तुम्हें पाया है जान में। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता। सोना। हाँ, जो कभी तुम्हारा शाहकार थी, जिसके लिए तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाया करता था, जिसे तुम किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही, मैं भी औरत हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। गरीब जरूर हूँ, रोना और मुसीबत उठाना गरीब की दुनिया है, मगर ये किसी भले घराने से मालूम होती है। झूठ बक रही है। कहने दो इसे, सच्चाई से घबरा क्यों गए? मैं झूठी सही, मेरी तस्वीरें जो इनके कमरे की रौनक है वो भी झूठी है। बुरिश ने भी झूठ बोला था बीबी, इन्हें देखकर आप ये नहीं समझ सकती कि ये तस्वीरें बनाने वाले बनाना और मिटाना भी जानते हैं। इन्होंने मुझे बनाकर मिटा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि चंद दिन ये आपको अपना शाहकार बनाकर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। सोना, गुस्से के कांपते हाथों से सच्चाई का मुंह बंद कर देना चाहते हो? जानने, मुझे तुमसे नफरत है। तुम बाबू जल गई सोमा, क्यों आए हो? जो तुमने चाहा था तुम्हें देने के लिए, इधर आओ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मैंने तस्वीरें बनाई है ना तुम्हारी, तो फिर मेरे साथ भाग चलो पहाड़ों की वीरान खामोशियों में, जहां हमारा कोई ताकुब ना कर सके। बोलो सोमा, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो मेरे जख्मी प्यार का साथ दे सके? कमल बाबू खामोश, तुमने अपनी जहरीली मोहब्बत से मेरे कलेजे को डसा है, तुमने अपनी मोहब्बत के दोधारे खंजर से मेरी मोहब्बत का जिगर काटा है। मैं सिसते हुए खून का टीका तुम्हारे माथे पर लगाऊंगा, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की पेशानी हमेशा के लिए दागदार हो जाए। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, सुबह का सूरज उभरने से पहले तुम्हें अपने खानदान का नामूस कुचल देना होगा। कमल बाबू, भगवान के लिए छोड़ दीजिए मेरे हाथ, मैंने मोहब्बत की है, इज्जत का सौदा नहीं किया। मोहब्बत को बदनाम ना करो सोमा, मोहब्बत और कुर्बानी का पुराना साथ है जिसको तुम नहीं समझ सकी। मैंने समझा है, मैं शायद सारी उम्र तुम्हें मुंह ना दिखाती, लेकिन लेकिन बहका दिया गया है मुझे। कौन था वो बहकाने वाला, बोलो सोमा, कौन था? जानना चाहते हो? चलो, अगर भूख और अफलास का गला दबा सकते हो तो दबा लो। 25 रुपए, मकार औरत 25 रुपए के लिए मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। नीचे हाल में घड़ी लगी है, तशरीफ ले जाइए। मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप कहाँ से तशरीफ ला रही हैं? आपको इस बात का क्या अधिकार है, मैं पूछ सकती हूँ? गांव जाने से पहले आपके पिताजी मुझे इख्तियार दे गए थे, मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आप कहाँ से तशरीफ ला रही हैं? इससे पहले कि मैं नौकरों को बुलवाकर आपको इस घर से निकलवा दूं, आप यहाँ से चले जाइए। ताकि पहाड़ी डाक बंगले पर उस दलील आर्टिस्ट यानी रंगसाज के साथ रंगरलियां मनाने का टाइम मिल जाए आपको। जवाब दीजिए, क्यों गई थी पहाड़ी डाक बंगले पर, और कमल की पीठ से क्यों लगी हुई थी, और सुमा ने क्या कहा था आपसे? ये कैसे मालूम हुआ तुम्हें? जब आप डरती और सहमती हैं तो आप पर प्यार आने लगता है। ये कैसे जाना तुमने? सुमा मेरे इशारे पर गई थी। बदमाश दलील, निकल जाओ यहां से। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस बेइज्जती का बदला कितना खतरनाक होगा। मैं भी जाता हूं और सब कुछ राय बहादुर से कह देता हूं।
और शायद कल तक तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए। निकल जाओ। शायद तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए, शायद कल तक तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए, शायद कल तक तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए, शायद कल तक तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए, शायद कल तक तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए। मैं क्यों डरूं? मैं पिताजी से नहीं डरती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मैं साफ साफ कह दूंगी, मुझे कमल से मोहब्बत है। क्या है बीवी जी, चाय पी लीजिए। बहुत नाराज होंगे। कैलाश से शादी कर दी जाएगी मेरी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जहर खा लूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। पिताजी आ गए, अब क्या होगा? पिताजी आ गए, अब क्या होगा? चांदनी, हमने सुना है कि हमारी बेटी अपने बाप दादा की इज्जत और खानदानी विकार को पहाड़ी डाक बंगले में नीलाम पर चढ़ा रही है। नहीं नहीं पिताजी। कैलाश कहते हैं कि हमारी तालीम ने तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं किया। हमारा खून जो तुम्हारी रगों में बह रहा था, उसने गुनाह की तरफ उठते हुए तुम्हारे कदमों में कोई जंजीर नहीं डाली। झूठ कहते हैं कैलाश। मैंने कोई गुनाह नहीं किया पिताजी। मैंने अपनी बाप दादा की इज्जत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और कमल कौन है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? और अक्सर आप उससे मिलने जाती हो? क्यों मिलने जाती हो? और उसकी माली हालत भी अच्छी नहीं है। कैलाश कहते हैं वो खानदान का भी अच्छा नहीं। पिताजी, कमल खुद बहुत अच्छे हैं। मगर तुम्हें उसकी अच्छाई बुराई से क्या सरोकार? पिताजी, मैं ये कहना चाहती हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? बोलो बोलो चांदनी, खामोशी मुजरिम जमीर की आवाज होती है। अब आप बताती क्यों नहीं? पिताजी, मैंने बड़ा दुख दिया है आपको, बड़ा दुख पहुंचाया है। वो भी तुम्हें चाहता है? तुम्हें उसके प्यार पर भरोसा है? ऐसे नौजवान की बातों में आना अक्ल के खिलाफ है। जवानी सर से पैर तक दिल है बेटा, और बुढ़ापा सर से पैर तक दिमाग। इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बगावत की है। मगर पिताजी, हम समझते हैं अगर ऐसा हो कि बुढ़ापा और जवानी आज के दिन के लिए समझौता कर लें। पिताजी, भगवान के लिए। तुम उसे बुलाओ, हम उससे मिलेंगे। कल शाम 4 बजे की चाय पर हम उसका इंतजार करेंगे। वो इस काबिल नहीं कि आप उसको यूं मुंह लगाएं। अगर वो वाकई तुम्हारे काबिल हुआ तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। पिताजी। जाओ बेटा, जाओ। राय बहादुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वो तो बहुत ही गरीब आदमी है, और फिर चांदनी देवी को खुश कैसे रख सकेगा? हमारी काफी जायदाद है और चांदनी वाहिद मालिक। आओ कैलाश। चांदनी,
सरकार, उसने मैं 25 रुपए के लालच में कैलाश के कहने पर तुम्हें मुझसे, हम सुन चुके, शर्म तो जरूर आई होगी। आई फिर? फिर घोल कर पी गए शरीर कहेंगी। गरीब ना ना हम। अच्छा जी, वो क्यों? आज से हमारा पर्दा हट। कैसी लगती हूँ घूंघट में? चांद बदलियों की ओट में हो तो चकोर को कैसा लगता है? शायरी करने लगे। तुम जो कर रही हो? हम तो साफ कह रहे हैं, आज से हमारा तुम्हारा पर्दा। मगर किस खुशी में? पिताजी ने कह दिया। ये तुमने क्या कह दिया चांद? मैं समझा नहीं। अरे कुछ तो बताओ, मतलब क्या है तुम्हारा? ये क्या आदत है, रुलाती हो तो पागल करने के लिए, हंसाती हो तो पागल करने के लिए? चांदनी, भगवान के लिए मेरी बात सुनो, बताओ तो। कल शाम चाय तुम पिताजी के साथ पियोगी? पिताजी के साथ? मोटर 4 बजे आ जाएगी। मगर तुम? मैं? अरे भगवान के लिए तालिक बज के रही हो। अरे का इस घर मामा तो सामू के साथ। अरे 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 मर के बाबा। अरे 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 गिरगिली हो मत। अरे अरे का कर तो। अरे बस लो। अरे उड़ अरे राम उड़ उड़। Thank you.
श्यामू, श्यामू। सरकार क्या हुआ? श्याम दादा, सरकार कौन आया था यहाँ? कौन आया था? कौन आया था यहाँ? यहाँ कौन आ सकता है? मैं टाले तो उड़ दू जो आए। नहीं श्याम, कोई आदमी, फिर कुत्ते, बहुत से कुत्ते श्यामू। बचपन ना छूटा आपसे, इतने से थे जब भी इसी तरह ख्वाब देखकर डर जाया करते थे, इतने बड़े हो गए अब भी डर जाते हैं। लेट जाइए। शाबाश, शाबाश, आंखें बंद, शाबाश। अरे आप फिर जाग रहे हैं? सो जाइए छोटे सरकार, सो जाइए, आंखें बंद, आंखें बंद। राजा सोएंगे, राजा सोएंगे, राजा सोएंगे। जाओ छोटे सरकार, बहुत देर। अरे छोटे सरकार, छोटे सरकार है? कौन कौन हो तुम? कौन? भगवान, ये क्या हो गया आपको? मैं श्यामू हूं, श्यामू, आपका श्यामू सरकार। श्यामू? ओ, अपने श्यामू। हाँ अपने श्यामू। आज बड़े सरकार होते तो कितने खुश होते। वो खुद जाते राय बहादुर से मिलते, और एक दफा तो राय बहादुर को भी होश आ जाता कि किसी संबंधी से वास्ता हुआ है। हैं? ये बटन, बटन भूल गया। और छोटे सरकार, हम गरीब सही, लेकिन ऐसे ऐसे कई राय बहादुर देख डाले हैं हमने। हाँ दबिएगा नहीं, कह दीजिएगा, हमारी भी 2000 रुपए सालाना की जायदाद है। मगर मगर श्यामू, में जा कहाँ रहा हूँ? कुछ भूल सा गया हूँ, जैसे अरे हाँ, जाननी, जाननी के यहाँ जा रहा हूँ। जाने क्यों भूल गया?
गाड़ी आ गई बाबूजी। गाड़ी? हाँ हाँ, चांदनी बिटिया ने भेजी है। ओ चलो चलिए चलो। पहचाना नहीं, मेरी बेटी चांदनी। ओह चांदनी, माफ कीजिएगा, अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आता। तबीयत तो अच्छी है आपकी? रात अजीब वाकया हो गया मेरे साथ। मैं अपने घर में सो रहा था कि कोई आदमी जाने कहां से जंग कैसे आ गया, और फिर कुत्ते, बहुत से कुत्ते, और बाजू में। हेलो कमल, माफ करना भाई, मैं जरा कमरे में बिजी था, रिसीव करने गाड़ी तक ना हाजिर हो सका। ओह आप ऐसे मालूम होता है जैसे। नहीं नहीं, आप यहां कैसे? आइए आइए, बैठ के इत्मीनान से बातें होंगी, आइए। ये ऐसी ही बातें किया करता है? नहीं नहीं पिताजी, जाने क्या हो गया है इनको। पिताजी कभी कभी आप थक जाया करते हैं ना, तो कोई दवा पिया करते हैं? हाँ हाँ, वो लाल शरबत, वो इन्हें पिला दो। पिला दो। मैं कुछ ऐसा अमीर आदमी नहीं हूँ। मेहनत करना और खाना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही तो पेट नहीं भर जाता? अब बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मिंट गुमरी रहा करते थे? जी मिंट गुमरी, जी हाँ, मिंट गुमरी में कुछ जमीनें हैं हमारी। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम, जरा पानी दीजिएगा। आप कुछ थके थके से मालूम होते हैं। हाँ मेरे पिता का नाम रामदयाल, हाँ रामदयाल है। ओहो, तो तुम रामदयाल के लड़के हो? जी हाँ रामदयाल। भाई बड़ा अच्छा आदमी था रामदयाल, मेरा बचपन का लंगूटिया दोस्त, ऐसा दोस्त फिर नहीं मिला मुझे। माफ कीजिए राय बहादुर साहब, वही रामदयाल ना जो राय बहादुर साहब से अक्सर कर्ज लिया करते थे। माफ कीजिए, जब भी तो मैंने आपको पहचाना नहीं। कमल की तालीम का बड़ा ख्याल था उन्हें, बचपन ही से बनारस भेज दिया था, वहां तालीम मुकम्मल की तो इंग्लैंड भेजना चाहते थे कि ICS हो जाए, लेकिन ये आर्टिस्ट ही रहा। ये तो बड़ी खुशी की बात है कमल बाबू, और ये सुनकर बड़ी मसर्रत हुई कि आप राय बहादुर जी के टुकड़ों पर पले हैं। कैलाश, चांदनी और कमल, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो और कैलाश मेरा हाथ है। हाथ से आंखों की हिफाजत की जाती है बेटा, हाथ और आंख की लड़ाई मुझे बड़ी तकलीफ देगी। लेकिन पिताजी ये, हम तुम्हें तुम्हारे इंतखाब पर मुबारकबाद देते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। Oh, my God.
जोड़ दो मुझे भगवान के लिए, मुझे जोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जोड़ दो भगवान के लिए, जोड़ दो चलो भगवान के लिए, मुझे जोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जोड़ दो, मुझे जोड़ दो क्यों डॉक्टर? दिमाग पर बहुत ज्यादा असर है। मैंने थोड़ा क्या बिगाड़ा है? इन्हें फौरन मेरे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छा। औजारी का असर है न रोबकारी का, और आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगाने का, मैं निवासा हूँ तेरी नानी का। बस करने के पास क्या रहती हो झांझवी जी? मैं झांझवी जी, मैं झांझवी, तू तेरी सात पुश्ते, तेरी आने वाली दस नस्लें, अरे हम दाग मीर सौदा दाग और गालिब गरीमान और गुजरे हुए शायरों का कब्रस्तान और गिदगिन था गिदगिन था गिदगिन था गामता 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 और हम का कहे थे जमाल गोटा और झांझी भी बेपंदे का लोटा और तू हो गया है पहले से मोटा और ये है चांद का टोटा 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 ऐसे हल खबर हो रही वक्त कह रही माय नेम इज मेजर लोटा खान गुलगुला जई Nobody can refuse my order. Right, sir. I'm sorry, my poor soldier. Hello, stronger. I'm better. All right. Sit. No! I'm better, my poor soldier. Oh, hello. What is your name? Name? मेरा बांके है, बांके। Oh, are you mad? पागल? जी हाँ, पागल। Yes, glad to meet you. बहुत खुशी। अरे हमका भी बड़ी खुशी हुई है साहब। No, you shut up. No, shut up. Now, ladies and gentlemen, please listen to me. You are too Oh my God. Where am I? Son. I am poor man. Every poor man is mad in this world, and तुमने अपनी जिंदगी देखा? तुम कौन हो जिसे तुम पाकर वो देना नहीं चाहते? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में चिराग क्यों जल रही? तुम्हारी आंखों में चिराग से क्यों जल रही? तुम्हारी आंखों में। Now gentlemen, see my train coming from California. Come on.
हेलो डॉक्टर, मैंने दिल ही दिल में किसी को चाहा, ख्वाबों के घटा टोप अंधेरों में किसी को तलाश करता रहा। आज यकायक जब तुम आई तो मेरा दिल पुकार उठा, लो वो बेनिकाब हो गए। देवी क्या बात है? तुम आए थे यहाँ? मैं तो यहाँ नहीं आया, मगर आपकी आवाज मेरे कमरे में जरूर सुनाई दी थी। बात क्या है? ये झूठ है। आप बहुत परेशान मालूम होती हैं। कोई ख्वाब तो नहीं देखा आपने? कैलाश, जिंदगी में हम एक दूसरे से वो कुछ कह ले जो हम कहना चाहते हैं। तुम मेरी जायदाद लेना चाहते हो ना? जवाब दो कैलाश, तुम्हें जायदाद चाहिए? आपने मुझे गलत समझा है। मुझे मोहब्बत जरूर है, लेकिन आपकी और आपके ऊंचे खानदान की इज्जत मुझे अपने जज्बात से भी ज्यादा अजीज है। कैलाश, मेरी बात का जवाब। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी मोहब्बत के रास्ते में रोड़े जरूर अटकाए, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि राय बहादुर साहब इस रिश्ते को मुनासिब समझते हैं, तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। यह आपकी नहीं, मेरी बदनसीबी है कि कंवल पागल होकर हमेशा के लिए आप जुदा कर दिया गया, वरना मैं दुनिया को दिखा देता कि मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाना किसे कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या समझो? नहीं कह सकती कि यह तुम्हारी चालबाजी है या तुम सच कह रही हो। राय बहादुर साहब, आप? हमने कैलाश को हमेशा सच्चा पाया है चांदनी बेटा, हमारे दिल में इसकी बड़ी कदर है। भगवान ने चाहा तो कमल जल्दी अच्छे हो जाएंगे,
और मेरी सच्चाई भी आप पर जाहिर हो जाएगी। मियां वाली रागिनी देवी लाहौर, खड़क सिंह लुधियाना, कृष्ण कुमार लुधियाना, अजरा लाहौर। कभी इसको पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? मुझे इल्म नहीं। अच्छा, तो फिर आप इस वक्त तशरीफ ले जाएं। अच्छा डॉक्टर, आओ बेटा। पिताजी। चलो बेटा घर चले।
चांद है। चांद पगलियों की ओर से निकलाया, चांदनी ने अंधेरों में उजालों के ताजमहल बना दिए। चांदनी दरवाजा खोलो, हम चांदनी के पास जाएंगे। दरवाजा खोलो, हम चांदनी के पास जाएंगे। दरवाजा खोलो, चांदनी के पास जाएंगे। सो जाओ, हमें चांदनी चाहिए, हमें चांदनी चाहिए। दरवाजा खोलो, हम चांदनी के पास जाएंगे, हम चांदनी के पास जाएंगे। मैं आई मेरे चांद, मुझे चांदनी चाहिए। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे चांदनी चाहिए। डॉक्टर मुझे चांदनी के पास ले चलो, भगवान ये मुझे चांदनी के पास ले चलो। सरकार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे चांदनी के पास ले चलो। दरवाजा खोलो, मुझे चांदनी चाहिए, चांदनी चाहिए। भगवान के लिए चांदनी चाहिए। डॉक्टर तुम बहुत अच्छे हो, मुझे चांदनी के पास ले चलोगे ना? चांदनी के पास, चांदनी के पास जाना चाहते हो? मुझे चांदनी नहीं चाहिए, मुझे चांदनी नहीं चाहिए। भगवान, तुम डॉक्टर हो? ये डॉक्टरों की करतूत है, जिसे भगवान ने मार दिया उसे मारकर दिल ठंडा कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा था, मैंने तुम्हारी जाली मोहब्बत को ठुकराया, मुझे मारते। लेकिन तुम्हें क्या हक था इस पर हाथ उठाने का? अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि ये सलूक होता है इनके अस्पताल में मरीजों के साथ? मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं चांदनी का नाम ना लूंगा, मैं चांदनी को नहीं बुलाऊंगा, चांदनी को नहीं बुलाऊंगा। तुम जरूर बुलाओ चांदनी को, चांदनी आगे चल रही। देखो तुम्हारी चांदनी आ गई। आप करते यकूब, अरे कतार लगा लो। बन गया ना अंधेरों में उजालों के ताज में। मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो चांदनी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कमल? हाँ कमल, मैं रास्ते से हटाने के लिए चलती फिरती लाश में बदल दिया। तुमने समझा था कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी चिता के भड़कते हुए शोलों के। तुमने समझा था कि तुम मुझे पागलखाने की दीवारों में बंद करके चांदनी को अपना बना सकोगे, चांदनी को छीन लोगे मुझसे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के लिए माफ कर दो। माफी?
तुम माफी के काबिल नहीं हो। तुमने मोहब्बत की मूर्ति को एक मोहब्बत करने वाले के खून से रंग दिया है। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम अपने गुनाह के काले अंधेरों में भटकोगे। तुम सर टकराओगे और तुम्हारे कैद खाने की दीवारें टस से मस न होंगी। तुम चीखोगे और तुम्हारी आवाज पर कोई कान न धरेगा। तुम रोओगे और तुम्हारे आंसुओं पर कोई हमदर्दी करने वाला न होगा। तुम मौत चाहोगे और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हें मौत नहीं मिल सकती। मौत भी तुम्हारी हमदर्दी नहीं करेगी। कौन है? अच्छा आप हैं। जी राय साहब जी, तनिक जल्दी खिड़की खोलियो। हो कौन हो तुम? दांत तनिक बचके रहियो। अजी हम हैं कमल के दोस्त और हमार नाम बाके है। बाके अभी अभी हम पागल खाने से भाग कर आए थे और हमका एक बहुत जरूरी काम है साहेब चांदनी देवी से। चांदनी देवी से? हाँ साहेब, तनिक जल्दी खिड़की खोलो, अंदर आ जाओ। आएगा वहां, बैठ जाओ। है बैठ गवा। क्या कहना है चांदनी को? हाँ साहब, हम अभी बताए थे। तनिक एका नीचा कर दिया। साहब का आप ही राय बहादुर साहब है का? हाँ भाई। हाँ तब ठीक है। बात दरअसल यूँ है साहब के कि मैं जानबूझकर पागल बन गया रहा। पागल पागल बन गया, पागल खाना बन गया रहा। अरे दर्शन बच के रही हो। पागल पागल पागल? हाँ साहेब पागल। नहीं नहीं आप पागल नहीं, हम पागल बन गए रहे। तनिक खिड़की तो बंद कर दे। और राय साहब, वो तोहार पंचर बाबू जागत है। पंचर बाबू? हाँ साहेब, वो जो तोहार दफ्तर में काम करता है ना, मैनेजर। हाँ साहेब फटीचर। तुम मैनेजर से क्यों डरते हो? तनिक बच के रहियो। अरे साहेब तनिक खिड़की तो बंद कर दो तो हम तुमका बताएंगे। पंचर बाबू जागत है। पंचर बाबू? हाँ साहेब, वो जो तुम्हारे दफ्तर में काम करता है ना, मैनेजर। हाँ साहेब फटीचर। तुम मैनेजर से क्यों डरते हो? तनिक बच के रहियो। अरे साहेब तनिक खिड़की तो बंद कर दो तो हम तुमका बताएंगे। एक पानी पी लो सरकार। पी लो। अच्छा पी लिया सरकार। आगे बोलो। ओ तो हर फटीचर बाबू जो है ना साहेब, तो तनिक टोपी उतार दो सरकार। उतार दो। उतार दे साहेब। तुम वाकई पागल नहीं हो? तनिक बच के रही हो। आप ठीक कहते हैं साहेब, मैं पागल नहीं, मैं घबरा रहा हूँ। उस रोज आप और आपके फटीचर बाबू दोनों पागल खाने में आए रहे ना साहेब। हाँ। बस तो वो कुत्ता आपके फटीचर बाबू ने छोड़ा रहा। क्या बक रहे हो? आपके फटीचर बाबू जागत हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा रहा साहेब। जब चांदनी देवी कमल बाबू को मिलने गई रही तो आपके फटीचर बाबू खिड़की में से देखत रहे। बस उन्होंने क्या की, एक कुत्ता चपाक से छोड़ दी। बस कमल बाबू पागल हो गए। ये झूठ है। दर तनिक बच के रहियो। अजी साहेब, झूठ और सच के चक्कर में रहियो तो कमल बाबू कभी अच्छे ना हुई है साहेब। हम सच कहते हैं,
तुहार फटीचर बाबू जो है ना, उनका पागल करने में उनका हाथ जरूर है। अगर तुमका यकीन ना वैसा है तो हमका चांदनी देवी से मिला दो, हम उनसे अर्ज करी हैं, वो हमारी बात मान जाइए सरकार। देखो हम कहे थे, वो उनको याद करत हैं, उनके लिए रोए हैं, चिल्लाए हैं, अरे उनकी जिंदगी बचा ले सरकार। अच्छी बात है, हम देखेंगे, तुम जाओ आराम करो। अरे साहेब मैं कहाँ गई हूँ, अरे वो हमारे पीछे तो पुलिस आए थे, अरे हम तो अभी पागल खाने से भाग कर आए थे, हम तो हाथ पाँव पड़े थे। उठो उठो, सब ठीक हो जाएगा, तुम यहीं सो जाओ। नहीं सरकार, तुम हमार फिकर छोड़ दो सरकार। ए देखो ना, हम रातों रात इस गांव से चले जाइए, तुम कमल बाबू का फिक्र करो सरकार। अच्छी बात है, हाँ आओ चलो। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे, हम तुम्हारे सर में पैर गए थे। आओ। मैं हूँ। आप सरकार? हाँ। सिगरेट है? जी सरकार। क्या बात, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं सरकार, एक कुत्ता है, उसने बड़ा परेशान कर रखा है। तुम्हें भी कुत्ते सताने लगे? मेरे सिगार खत्म हो गए थे, इसलिए निकला था कि किसी को पुकारूं, चौकीदार नहीं दिखाई दिया। लाइक थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सरकार। आज इतने परेशान क्यों हो बेटा? तुम्हें सो जाना चाहिए, इंसान की नींद पूरी ना हो तो उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमें तो नींद आते ही आते आएगी। जाओ सो जाओ। अपने घर में सो रहा था कि कोई आदमी जाने कहां से, जाने कैसे आ गया। और फिर हेलो कमल, माफ करना भाई, मैं जरा कमरे में बिजी था, रिसीव करने गाड़ी तक ना हाजिर हो सका। ओह आप ऐसे मालूम होता है जैसे पागल हो गए हैं, क्या हुआ है उन्हें? वही जो तूफान के गुजर जाने के बाद हुआ करता है बिटिया। नहीं नहीं बाबा, तूफान नहीं गुजरा बाबा,
वो अभी तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान के लाए हुए तूफान को कौन रोक सकता है? हमारी गरीबी और तुम्हारी बीमारी कोख से जन्म लिया इस मनहूस तूफान ने। मैंने चांदनी और कमल को अलग करने के लिए 25 रुपए लिए थे, ये उन्हीं 25 रुपयों की झनकार है तूफान। बाबा, ये गरीबी और बीमारी क्या रास्ते में पड़ी पाई थी हमने सोमा? ये भी तो भगवान की देन। मैं इसका बदला लूंगी बाबा, मैं कलेजा चबा दूंगी इस मैनेजर का, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लड़की, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे छेड़ जाने दो बाबा, मुझे छोड़ दो बाबा। पहाड़ से टकरा जाने वाले बादल बरस कर खुल जाया करते हैं सोमा, अपनी बिजलियों को अपने अंदर महफूज रहने दो। बंद कर दो ये दरवाजा, अभी इसके खुलने का वक्त नहीं आया। हाजिर हो सकता हूं? आ जाओ।
हिसाब तैयार हो गया? जी हो जाएगा। राय बहादुर साहब, मैं कुछ कहना चाहता था। रुमाल। हाँ कहो। मैं आपका पुराना नमक पार हूँ। हमने तुम्हारी वफादारी पर कभी शक नहीं किया। शुक्रिया। यूं समझ लीजिए कि चांदनी देवी मेरी आंखों के सामने जवान हुई है। हम जानते हैं। राय बहादुर साहब, मुझसे उसका गम देखा नहीं जाता। अभी अभी वो गा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा कलेजा कट रहा है। कैलाश, अपने सीने के नीचे बाप का दिल रखकर देखो, तुम्हें दुनिया अंधेरी मालूम होने लगेगी। तो इसका कोई उपाय होना चाहिए। तुम आज तक का हिसाब मुकम्मल कर लो जैसे चार्ज दे रहे हो, फिर इसका इलाज भी हो जाएगा। सरकार, चांदनी के गम से हिसाब का क्या ताल्लुक? हाँ हाँ, मेरा मतलब है। और मैं चांदनी देवी को गांव ले जाऊंगा, जगह तब्दील हो जाएगी तो ख्याल भी मिट जाएगा। जगह तो बदल सकती है, लेकिन ख्यालात कैसे बदल सकते हैं? थोड़े दिन की बात है, फिर कमल भी अच्छे हो जाएंगे। कमल कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? कुछ नहीं, लेडी डॉक्टर कह रही थी। फिर क्या इलाज किया जाए, तुम ही बताओ। मेरी एक बात मानिए। क्या? चांदनी की शादी किसी से कर दीजिए। मैं भी यही सोच रहा था। हम दोनों न जाने क्यों एक ही अंदाज में सोचते हैं। तुमसे न कर दी जाए चांदनी की शादी? राय बहादुर साहब, तुम्हें क्या ऐब है? सच्चे, दयानदार, वफादार, हमदर्द, अपने मालिक के लिए जान लड़ा देने वाले, वो कौन सी खूबी है जो कि इंसान में होनी चाहिए और तुम में नहीं? राय बहादुर साहब, वाकई आप राय बहादुर साहब हैं। मैं कुछ सोच रहा हूं, क्या करूं क्या कहूं। आपने तो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया है। राय बहादुर साहब, राय बहादुर साहब, मेरा सब चकरा। चकराना ही चाहिए, जिस जायदाद पर मुलाजिम थे उसके मालिक बन रहे हो। राय बहादुर साहब, आप यकीन जानिए, मैंने यह आज तक सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी खुशकिस्मती मेरा इंतजार कर रही है। राय बहादुर साहब, मैंने चांदनी को चाहा जरूर था, लेकिन बहुत खामोशी के साथ मैंने आज तक उस पर भी जाहिर होने नहीं दिया कि मैं उसके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। गोया मोहब्बत थी आपको भी? जी, इसका मुजरिम तो जरूर हूं। मगर बेटे, मोहब्बत की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, नहीं जानता कि तुम उन्हें निभा सकोगे या नहीं। राय बहादुर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। गोया आजमाई शर्त है। अच्छा बेटे, तुम अभी जाओ, बाकी बातें फिर होंगी। मुझे एक जरूरी चिट्ठी लिखनी है। जुर्म का मुकम्मल सबूत नहीं मिल सका, इसलिए उसका नाम नहीं लेता। Yeah.
चांदनी, हमें ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी बेटी अपने बाप के किसी हुक्म की तामील नहीं करना चाहती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पिताजी, मगर दिल नहीं मानता। भटके हुए दिल के बताए हुए रास्ते पर चलना तबाही के मुंह में जाना है। हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे बेटा, हमने कैलाश के साथ तुम्हारी शादी का फैसला बगैर सोचे समझे नहीं किया। पिताजी, मैं तो इनकी दुख भुलाने की बड़ी कोशिश करता हूँ सरकार, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनती। ये बुरी बात है, दो ही चार रोज में तुम दोनों की जिंदगी में एक वाकया होने वाला है। एक बहुत बड़ा इनकलाब दस्तक दे रहा है हम लोगों के दरवाजे पर, उसके स्वागत की ये तैयारी अच्छी तैयारी ने कहलाई। आपने शादी के लिए कहा था, मैंने इनकार नहीं किया था पिताजी, मैंने पत्थर रख लिया है अपने कलेजे पर। लेकिन ये क्यों जरूरी है कि शादी से पहले भी मैं अपने दिल का खून करती रहूं? ये हमारा हुक्म है, हम चाहते हैं कि शादी से पहले तुम अपना गम भूलकर कैलाश के लिए अपने दिल में जगह पैदा कर लो। ये तुम्हें तफरी के लिए ले जाना चाहती हैं, तुम इनके साथ जाओ। नहीं नहीं पिताजी, भगवान के लिए मुझ पर ये जुल्म ना कीजिए। नई तामीर उठाने से पहले पुरानी इमारत पर कुल्हाड़े और फावड़े चलाने को जुल्म नहीं कहते। हम मजबूर हैं, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं पिताजी, तकदीर का मुकाबला आंसुओं से नहीं, दिल के धड़कते लोथड़े को फौलाद में बदल देने से हुआ करता है। जाओ कैलाश, जाओ। माफ कीजिएगा, बड़ी देर हो गई। दरअसल ये राज मैं अपनी बेटी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसे कैलाश के साथ भेजने में देर लगी। मैं समझता हूँ, अब तो उसके आने का कोई खतरा नहीं। जी नहीं, काम शुरू किया जाए। जी हाँ। है अनमोल
के मन मोरा, सोना के मन मोरा, नाच रहा है मन मोरा, नाच रहा है मन मोरा। अपने अपने सारे सजानू किस्मत को जगा लूं आजा, आ तुझे दिल में बिठा लूं आजा। अपनी किस्मत को जगा लूं आजा। चाहिए था सिरन में वही दवा है। जी हाँ, मालूम तो वही होती है। अब तो केस मुकम्मल हो गया आपका, कैलाश गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ जरूर।
और ये पागलपन, जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं, दिमाग के इन पट्टों के कमजोर हो जाने से वाकया हुआ है। मुझे आप हजरात को ये बताने की जरूरत नहीं कि जुर्म करने के लिए मुजरिम ने जिस दवा का इस्तेमाल किया है वो इन्हीं पट्टों पर असर करती है। इसका काम इन पट्टों की हरकत को तेज कर देना है, जिससे पट्टों की अक्सर बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर इसकी ज्यादा मकदार जिस्म के अंदर पहुंच जाए तो हरकत बहुत तेज होकर आन के आन में इन्हीं पट्टों को मुर्दा बना देती है, जिससे मौत वाकया हो जाती है। ये मरीज की खुशकिस्मती है कि दवा इतनी मकदार में नहीं पहुंची जिससे मौत वाकया होती, लेकिन इतनी मकदार में पहुंच गई जिससे पट्टे तेजी से हरकत करने के बाद सुस्त पड़ गए और मरीज पर पागलपन की अलामतें जाहिर होने लगी। लेकिन कैसे? आप डॉक्टर काजल के मजमून की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑपरेशन? मगर डॉक्टर काजल का भी यही ख्याल है कि इस ऑपरेशन में मरीज की जान जाने का खतरा है। डॉक्टर कपूर जानते हैं कि यह ऑपरेशन खतरनाक है, मगर ये जानबूझकर मरीज को कत्ल करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में आपकी इस थ्योरी से हम में से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। आपको मुबारकबाद देना है, मेडिकल बोर्ड ने आपके हक में फैसला किया, अब आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर, अब तो खुश है ना आप? डॉक्टर कपूर, आपका केस कामयाब रहा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कमल चांदनी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, मुझे उम्मीद न थी कि आप आएंगे। आओ बैठे। जिस तरह झूम के दीवाने को दीवाना मिला, जिस तरह झूम के दीवाने को दीवाना मिला, दिल का नजराना मिला।